और ब्रेक के बाद बात बड़ी खबर की शिमला से मिल रही है। पूर्व विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी शिमला से, जहां विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है, प्रश्नकाल से ये कार्यवाही शुरू हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान होना है। और हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, उसका प्रस्तुतीकरण होगा, फिर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान होगा। बजट सत्र आज 10वां दिन है, 27, 28, 29 तीन दिन बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और फिर 29 मार्च को ये बजट पास होना है। आपको बता दें 14 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, 17 मार्च को सीएम सुक्खू ने सदन में बजट पेश किया था और तीन दिनों तक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। बजट सत्र की कार्यवाही का आज 10वां दिन है, प्रश्नकाल के साथ 10वें दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे शिमला से एक और अहम खबर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा शिमला पहुंचे, सीएम सुक्खू से उनकी मुलाकात हुई, सरकारी आवास ओक ओवर पर यह मुलाकात हुई है। सीएम सुक्खू ने जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने पर भी आनंद शर्मा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है, बड़ी न्यायपालिका पर भरोसा है, निचली अदालत का ये फैसला है जो टिकेगा नहीं। वहीं सीएम सुक्खू ने भी जनता की अदालत में राहुल गांधी की आवाज रोकने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, ये बात कही। वहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, ये सीएम सुक्खू ने बयान दिया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सरकारी निवास ओक ओवर पर पहुंचे आनंद शर्मा, जहां सीएम सुक्खू ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं आनंद शर्मा, और वो सीएम सुक्खू से मुलाकात करने पहुंचे, ओक ओवर पर जोरदार उनका स्वागत हुआ। ये बात तो अदालतों को देखना, पर हमारा पूरा विश्वास है, जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा है, भारत की जुडिशरी पर एक लीगल प्रोसेसेस होते हैं। पर बड़ी बात एक है कि आज जो देश के अंदर वातावरण है, उसमें क्या किसी भी राजनेता पर किसी भी टिप्पणी को उस पर गंभीरता से गहराई से जाना चाहिए। जो लीगल प्रोसेस है उसमें अपील भी होगी, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि भारत की जो हमारी बड़ी न्यायपालिकाएं हैं, चाहे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इस चीज़ पे निगाह रखे हुए हैं, और यहाँ न्याय होगा। ये सस्टेन नहीं हो सकता जो फैसला है सूरत कोर्ट का, मैंने भी उसको गहराई से देखा, हम भी वकालत जानते हैं, वो कानून को जानते हैं, वो बहुत एक विवादित और गलत फैसला है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, आज सब समाज के जितने भी वर्ग है, और जितनी निडरता से राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी आवाज को, उनकी सदस्यता खत्म करने के बाद सदन में तो रोका जा सकता है, लेकिन जनता की अदालत में रोकने के लिए उन्हें कोई कानून बनाना पड़ेगा, तभी वो जनता की अदालत में रुक सकते हैं। एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है। अभी कन्विक्शन हुई और 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारा जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा होना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर